नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ओडिशा हरियाणा में पुनः लॉकडाउन, तेज हवाओं के साथ होंगी बारिश, कंगना की उम्मीद बरकरार। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। ओडिशा हरियाणा में पुनः लॉकडाउन। देश में बढ़ रहे कोरोना मामलों के बीच ओडिशा राज्य ने बड़ा फैसला किया है। ओडिशा सरकार ने राज्य में 14 दिनों का लॉकडाउन लगा दिया है। ये लॉकडाउन आगामी बुधवार 5 मई सुबह से लागू होकर 19 मई तक चलेगा। सरकार ने ये भी स्पष्ट किया है कि इस दौरान आवश्यक सेवाओं, हेल्थ सेवाओं को ही छूट रहेगी। इसके अलावा सुबह से 7 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक अपने घरों से 500 मीटर के दायरे में निकल सकेंगे, ताकि वे अपने जरूरी कार्य कर सके। उड़ीसा राज्य के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार बीते 24 घंटों में उड़ीसा राज्य में कोरोना के 8015 नए मामले सामने आए हैं। इस समय उड़ीसा में 69453 एक्टिव कोरोना मरीज है। इन नए आंकड़ों को मिलाकर उड़ीसा में अब तक कुल 4,62,622 कोरोना मामले नए हैं। उड़ीसा में कोरोना से अब तक 2,068 मौतें हो चुकी है। तो वही दूसरी ओर तेज हवाओं के साथ होंगी बारिश। उत्तर भारत में मानसून पूर्व गतिविधियां जोर पकड़ने लगी है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली NCR में तेज धूल भरी हवा के साथ हल्की बारिश का अनुमान बताया जा रहा है। वही उत्तर पश्चिमी भारत सहित देश के अन्य हिस्सों में आज इसके बढ़ने की उम्मीद है। इससे इस पूरे सप्ताह यानी 7 मई तक मौसम का मिजाज बदला हुआ रहेगा। मौसम विभाग और स्काईमेट वेदर के अनुसार 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर की ओर से एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है, जिसके असर में शनिवार को दिल्ली, NCR, पंजाब व हरियाणा समेत कई राज्यों में तेज धूल भरी हवा भी चली और कहीं कहीं बारिश भी हुई। तो वही तीसरे और कंगना की उम्मीद बरकरार। बंगाल विधानसभा चुनाव में TMC तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। वही भाजपा 75 सीटों पर ही रुक गई है। BJP का दावा था कि इस बार बंगाल में उसी की सरकार बनेगी और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अमित शाह आदि नेताओं ने पूरा जोर लगा दिया था, लेकिन अब ऐसा नहीं दिख रहा है और ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बन रही है। इसकी घटनाक्रम पर अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा कि BJP की हार मार खुशी मना लो, लेकिन BJP वापसी जरूर करेंगी। कंगना ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें हाइना का एक झुंड एक शेर की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन शेर की दहाड़ से फिर सब पीछे चले जा रहे है। इस वीडियो को शेयर करते हुए कंगना ने लिखा, हा हा हा, अब क्या हो रहा है कि हाइना को एक दिन खुशी मनाने का मिल गया है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।